फाइव थिंग्स अट्रैक्टिव एंड हैंडसम मैंस नेवर डू। पांच ऐसी चीज़ें हैं जो खूबसूरत और हैंडसम बॉय ये चीज़ें नहीं करते हैं। अगर आप भी पांच चीज़ें नहीं करते हो तो आप भी एक अट्रैक्टिव और खूबसूरत इंसान हो। ज़रूरी नहीं कि खूबसूरती आपके चेहरे से झलके। वीडियो में मैं आपको फाइव ऐसी टिप्स दूंगा, अगर ये आपकी ज़िंदगी में है तो इसको आप हटाने के बाद, इन चीज़ों को आप बाहर फेंकने के बाद आप लगोगे यार मोस्ट सुपर डुपर हैंडसम मैन एंड अट्रैक्टिव बॉय। तो गाइस शुरू करते हैं। टिप नंबर वन है, डोंट स्पेंड मच मनी। एक खूबसूरत और समझदार इंसान कभी भी अपने पैसों को ज़ाया नहीं करता एक्स्ट्रा चीज़ों में। अगर आप शॉपिंग के लिए जाते हो, जो चीज़ें आपको ज़रूरत है सिर्फ वो चीज़ें उठाकर लाएं, 15, 20, 100, 140 चीज़ें उठाकर लाने की उसकी क्या ज़रूरत है आपको। एक चीज़ लेने के गले गए और वहाँ पर आपने देखी कि सेल लगी है। सेल लगाना ये जो होती है ना ब्रांड्स की, जो पुरानी चीज़ें जो बिक नहीं रही होती, जो सेल नहीं हो रही होती, वो उस चीज़ को आपको सेल लगा के दे देते हैं। और आप और मैं ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं कि यार ये तो इतनी महंगी चीज़ थी, इन्होंने हमें 50% ऑफ में लगा दी, अब तो ये लेके जानी पड़ेगी। फिर आप लेके आ जाते हो उठा के, फिर आप पहने के बाद 2-4 दिन के बाद आप कहते हो कि यार ये तो मेरे किसी काम की नहीं है। वो आपको उल्लू बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, जो कि आप हो नहीं। आप बहुत समझदार हो ये मुझे पता है मेरे भाई। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको समझदार कहें तो प्लीज़ डोंट स्पेंड टू मच मनी। फैशन हमेशा पैसे से नहीं होता, फैशन हमेशा आइडिया से होता है और तरीके से होता है। आप बहुत खूबसूरत हो यार, सिर्फ आपको ये अपने आप को ये फील करवाने की ज़रूरत है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, देन लोग आपको ट्रीट करना शुरू कर देंगे किंग की तरह। टिप नंबर टू जो आपके लिए है, स्टॉप वॉचिंग पॉन्स। पॉन्स वीडियोस देखना छोड़ दो। एक खूबसूरत और समझदार इंसान कभी भी पॉन्स वीडियोस का सहारा नहीं लेता, क्योंकि पॉन्स वीडियोस देखने से आपके चेहरे की खूबसूरती चली जाती है। दूसरे नंबर पर उम्र कम हो जाती है। क्या फ़ायदा जब उम्र कम हो जाए तो ऐसी मज़ा लेने का, 2 सेकंड के मज़े के लिए आप अपनी ज़िंदगी को क्यों कम करना चाह रहे हो। तो भाई इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल वाली वीडियो बनाई हुई है, लत लगी हुई है पॉन की देखने की, तो आप उस वीडियो को देखो। उस वीडियो को देखने के बाद आपको वो लत खत्म हो जाएगी। लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो जरूर देखना। टिप नंबर थ्री जो आपके लिए है, एक समझदार खूबसूरत और हैंडसम इंसान कभी भी किसी भी दूसरे इंसान के बारे में बुरे कमेंट पास नहीं करता है। वो हमेशा किसी भी गॉसिप का हिस्सा नहीं बनता, वो हमेशा डिसेंट टॉकिंग करता है। और एक जो हैंडसम इंसान बनना चाहते हो तो किसी भी महफिल में बैठे हो तो अच्छे और पॉजिटिव वॉर्म्स लोगों को दो, ताकि आपकी पॉजिटिविटी दूर तक चले और आप एक अच्छे इंसान होने का सर्टिफिकेट हासिल कर सको। अच्छा दूसरे इंसान को कॉम्प्लीमेंट दो, यार आज तुम तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो यार, तुम्हारे तो ड्रेसिंग ही बहुत कमाल की है। चाहे अगला इंसान आपके बारे में जो उनसा मर्जी बात कहे, यार तुम्हारी तो शक्ल ही नहीं अच्छी है, आपने कुछ भी नहीं कहना। आपके बारे में अगला इंसान कुछ भी कहे इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप एक ब्रॉड माइंडेड इंसान होना चाहिए, खुला दिमाग होना चाहिए, ताकि लोगों की बातों को आप बर्दाश्त कर सको और उनकी बातों को इग्नोर करो यार। क्योंकि एक समझदार और खूबसूरत इंसान वही बन सकता है जो दूसरों की बुरी बातों को भी बर्दाश्त करे। अच्छी बात तो हर कोई बर्दाश्त कर लेता है यार, बुरी बात को बर्दाश्त करने से ही बनता है ब्यूटीफुल इंसान। तो आप ब्यूटीफुल इंसान हो, आई नो दैट। टिप नंबर फोर पर जो हम डिस्कस करेंगे ये है कि हम इस दुनिया में मौजूद हर एक इंसान को खुश नहीं कर सकते। जो हैंडसम इंसान होता है, जो खूबसूरत, जो अट्रैक्टिव इंसान होता है, वो इस बात को जानता है कि यार इस दुनिया में मौजूद हर एक इंसान को हम खुश नहीं कर सकते। अगर 10 लोग आपसे खुश हैं तो 3 लोग ऐसे मिलेंगे या 2 लोग ऐसे कन्फर्म होंगे जो कि आपसे डिसएग्री करेंगे, और वो ज़रूरी भी है डिसएग्री करना, क्योंकि डिसएग्री करने वाले लोग आपके अंदर जो बची खुशी जो खामियाँ होती ना उनको भी दूर करवा देते हैं। एक खूबसूरत और ब्यूटीफुल इंसान जिस महफिल में रहता है उस महफिल में एक पॉजिटिव वॉर्म्स होती हैं और लोग उस महफिल को एंजॉय करते हैं। आपने ये देखना कि आप कौन से इंसान हो। जब आप किसी महफिल में जाते हो तो लोग खुश होते हैं, या आप उन इंसानों में से हो कि आपके किसी महफिल में जाने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको अपनी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत है। और वैल्यू ऐड करो यार, ब्लेम्स करना शुरू करते हो ना तो अल्लाह ताला की रहमतें नेमतें आपसे दूर जाना शुरू होती हैं। अगर आप चाहते हो कि अल्लाह ताला की रहमतें आएँ आपकी तरफ, हमेशा शुक्र अदा करो यार, शुक्र, थैंक गॉड, या अल्लाह तूने मुझे इतना सब कुछ दिया, हाथ दिए, आँखें दिए, नाक दिए, मुंह दिया, दांत दिए, खाने के लिए ये सारे कुछ चीज़ें देने के बाद भी मैं तेरा नाशुकर हूँ। सो प्लीज़, चंद एक छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ चीज़ें हमसे छिन जाती हैं, कुछ चीज़ें चली जाती हैं ज़िंदगी से, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नाशुकरे हो जाए। नाशुकर करने वाले इंसान को जो चीज़ें बची खुशी नेमतें होती हैं वो भी छीन ली जाती है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं अल्लाह उसमें बरकत डाले, और जो चीज़ें लेके चला गया हमसे उसी में शायद हमारी कोई बेहतरी थी इसीलिए हमसे गई। तो गाइस वीडियो ज़रा सी अच्छी लगने पर लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो यार।
मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे ध्यान हाफिज़।